नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं मनविंदर और मेरी चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं, अभिवादन करती हूं। और फाइनली चिराग पासवान ने जेडीयू और चाचा पशुपति पारस के खिलाफ एक बड़ी वाली जंग का ऐलान कर दिया है। पटना में मीडिया के सामने चिराग पासवान ने नीतीश कुमार और अपने चाचा पशुपति पारस पे बहुत सारे आरोप लगाए हैं। चलिए रुक करते हैं पूरी खबर की ओर। मैं आपको बता दूं कि लोक जनशक्ति पार्टी में फूट के बाद चिराग पासवान ने पहली बार आज मीडिया के सामने अपने दिल का दर्द जो है वो बयां किया। उन्होंने चाचा पशुपति कुमार पारस पर एक तरह से पलटवार करते हुए ये कहा कि पार्टी ने समझौते की बजाय संघर्ष का रास्ता चुना था। पिता के निधन के बाद उन्होंने परिवार और पार्टी दोनों को लेकर के चलने का काम किया, इसमें संघर्ष था। जिन लोगों को संघर्ष का रास्ता पसंद नहीं था उन्होंने धोखा दिया। चाचा बोलते तो मैं पहले ही उनको संसदीय दल का नेता बना देता। और उन्होंने कहा कि एलपीजी को, एलजेपी को पहले तो तोड़ने की कोशिश की और मैं ऑब्वियसली रामविलास पासवान का बेटा हूँ, शेर का बेटा हूँ, पार्टी पापा की सोच के साथ मजबूती के साथ आगे बढ़ी, मुझे ये अधिकार पार्टी का संविधान ही देता है, कोई भी संगठन इसके अनुरूप ही चलता है। पारस ने जो पटना में गुरुवार को यानी कि कल एक कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है वो असंवैधानिक है, उसके लिए जो फैसले लिए गए हैं वो सब भी गलत हैं। चलिए देखते हैं कि आज जो पटना में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है चिराग पासवान ने, उसके मेन बिंदु क्या है। चिराग पासवान कहते हैं कि 8 अक्टूबर को पिताजी का निधन हुआ, इसके तुरंत बाद पार्टी विधानसभा चुनाव में उतरी, इस दौरान ढंग से घर पर बैठने या पापा को याद करने का समय ही नहीं मिला। कुछ समय से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, ये लड़ाई लंबी है, हम समय समय पर सवालों का जवाब देंगे और मैं मीडिया के सामने आता रहूंगा। चुनाव में एलजेपी को बड़ी जीत मिली, सभी ने कहा था कि हमें नकार दिया जाएगा, लेकिन हमें 6% वोट मिला। राज्य के 25 लाख लोगों ने हमारी पार्टी को वोट किया, ये चिराग पासवान कह रहे हैं। और एलजेपी ने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया और हमने गठबंधन से अलग होकर के चुनाव लड़ा है। जब पापा एडमिट थे, चिराग बार बार अपने पिता को मीडिया के सामने याद कर रहे थे और उन्होंने कहा कि जब पापा एडमिट थे तभी पार्टी को तोड़ने की कवायद जदयू कर रही थी। पापा ने भी चाचा को कहा था कि पार्टी में कुछ लोग संघर्ष के रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं थे, अगर जदयू, भाजपा और एलजेपी मिलकर के लड़ते तो परिणाम बहुत अच्छा होता, मगर नीतीश के सामने नतमस्तक होना पड़ता जो हमें मंजूर नहीं है। एक और उनकी मीडिया के सामने जो उन्होंने बात कही उसका सार कुछ इस तरीके से है कि नीतीश को बिहार और बिहारियों से प्यार है, इस कारण उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। चुनाव के दरमियान भी सांसदों ने कोई भूमिका पार्टी के लिए नहीं निभाई, पार्टी उनसे पूछताछ और कार्रवाई कर सकती थी, ये उन्हें आभास था। कोरोना की वजह से सब कुछ रुक गया था, तब तक उन्हें टाइफाइड भी हो गया और वो बीमार पड़ गए, तो उनके पीठ पीछे षड्यंत्र रचा गया, जबकि चुनाव के बाद से ही चाचा से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। जब कोई संवाद नहीं हुआ तो होली के दिन परिवार के लोग भी नहीं थे। उस दिन उन्होंने यानी कि चिराग ने एक खत भी लिखा था उन्हें, जिसके जरिए वो अपनी बात करने की कोशिश कर रहे थे। और उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी और परिवार को बचाने की उनकी कोशिश है, ये कवायद है। चिराग कहते हैं कि मैंने अंत तक पार्टी और परिवार को बचाने की कोशिश की, मैं उनके घर भी गया और दोपहर तक मेरी माँ उनसे बात करने की कोशिश कर रही थी, पर कल एहसास हो गया कि सारे प्रयास असफल हो गए हैं, इसलिए वर्चुअल तरीके से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग की। जो लोग मुझे अध्यक्ष और संसदीय दल के नेता पद से हटाने की बात कर रहे हैं उन्हें पार्टी के संविधान के बारे में जानना चाहिए। और जिस तरह से उन्हें चुना गया वो पार्टी के संविधान के मुताबिक गलत है
इसका फैसला पार्टी की संसदीय कमेटी या राष्ट्रीय अध्यक्ष को करना होता है। अध्यक्ष पद सिर्फ दो परिस्थितियों में ही खाली हो सकता है, पहला डेथ होने पे, दूसरा खुद रिजाइन करने से। आने वाले दिनों में लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी, ये पक्का है। लीगल ओपिनियन लगातार ली जा रही है। मेरे पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है। दरअसल बीते रविवार की शाम से ही पार्टी में कलह शुरू हो गई थी और सोमवार को चिराग पासवान को छोड़ के बाकी पांचों सांसदों ने संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई और हाजीपुर सांसद पुष्पति कुमार पारस को संसदीय बोर्ड का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। इसकी सूचना लोकसभा स्पीकर को भी दे दी गई और सोमवार शाम तक लोकसभा सचिवालय से उन्हें मान्यता भी मिल जाती है। तो ये सारा घटनाक्रम है और आज पहली बार चिराग ने मीडिया के सामने अपने दिल की पूरी बातें कही। एक तरह से एक पूरी लड़ाई लड़ने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। अब देखना ये होगा कि आगे चल के ये लड़ाई किस तरीके का रूप लेती है और क्या इसमें चिराग पासवान को जीत हासिल होती है जब उनके चाचा पशुपति पारस जो है वो इस जंग में जीतते हैं। दोस्तों आप मेरे साथ बने रहिए, इस बाबत कोई और नया अपडेट होगा तो मैं जरूर आपसे शेयर करूंगी। जय हिंद, जय भारत।